गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है दीघा का सेकेंड डे और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इतना मस्त ट्रिप। ना मैं अभी दिखाता हूँ कि आपको अगर खाने में पैसा बचाना है तो कहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ पे अगर रेस्टोरेंट में आप खाओगे ना बहुत पैसा लग जाएगा और मैं आपको पैसा बचने का निंजा टेक्निक बताता हूँ। तो चलो दिखाता हूँ। तो मैं एक बात बताता हूँ कि मेरा जो ये वाला वीडियो है वो करप्ट हो गया था, तो मैं अभी वापस शूट कर रहा हूँ। एडिटिंग के टाइम में जो एडिट कर रहा हूँ तब पता चला कि वीडियो क्रैश हो गया। तो मैं बताता हूँ कि टिप क्या है। अगर आप दीघा जा रहे हो ना, वहाँ पे जिस साइड में आपको बीच मिलेगा, ओल्ड दीघा में बोल रहा हूँ, उल्टा साइड में आपको एक मार्केट मिलेगा, वहाँ पे हर चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे जाओ और वहाँ पे जाके ना आप रॉ चीज़ खरीदो, जैसे चिकन हो गया, राइस हो गया, आपको फिश खाना है फिश हो गया, और सब कुछ एक दुकान पे दे दो। वहाँ पे 60 रुपये के आसपास लेगा हर एक चीज़ को पकाने के लिए। तो 100-150 में ना आपका खाने का 2 टाइम का खाना हो जाएगा। वही चीज़ है जो आपको पैसा बचा सकता है। नहीं तो अगर आप रेस्टोरेंट में खाने की कोशिश करोगे ना भाई, बहुत ज़्यादा फोकट का पैसा खर्चा होगा। और सबसे गंदी बात यह है ना कि यहाँ पे पानी का बहुत इशू होता है, तो पानी पहले से लेके जाओ, नहीं तो वहाँ पे जाकर आपको बहुत नुकसान होने वाला है। दीघा है तो मीठा हो जाए, तो मैं खा रहा हूँ चोको क्या चिप्स पेस्ट्री भाई, बहुत ही अहमियत। यहाँ पे मुंजी देख के ना मेरे को पुणे की याद आ गया। हर दूसरे दिन मैं खाना खाता रहता था ये मुंजी में। अभी वापस मिले तो रहा नहीं गया, मगर गाय जाए वहाँ माचू ने, मैं अभी खाना खा रहा हूँ। टाटा भाई, मैं इन्जॉय करता हूँ। ऑटो में जब जाओगे 10 रुपये से ज़्यादा 1 रुपये मत देना, वो लोग आपसे ज़्यादा मांगेंगे। अगर आप ज़्यादा दोगे आप उल्लू बन जाओगे, तो मत देना। अगर आपका बजट का कोई इशू नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर आपके बजट का कोई इशू नहीं है तो आप न्यू दीघा में यहाँ पे रह सकते हो। सी के सी जो भी आपको दिख रहा है वो होटल्स बहुत प्यारे दिख रहे हैं मेरे को, तो होपफुली रेट्स भी ज़्यादा होंगे, तो इसलिए मैं नहीं रह रहा हूँ। अगर आपको रहना आप रह सकते हो। बात ऐसा है कि अभी मैं आ चुका हूँ न्यू दीघा। न्यू ओल्ड दीघा से न्यू दीघा में एक स्कैम होता है, मैं पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पे जो रिश्का है ना, वो आपको स्कैम करेगा ऐसे कि नहीं खराब हो सकता, नहीं खराब हो सकता करके आपको लेके आएगा। वो यहाँ पे आके बोलेगा रेट कुछ ज़्यादा है। तो जब भी उतरोगे वहाँ से, मतलब गाड़ी उठने से पहले रिश्का लेना, जिसमें वो जो थोड़ा टॉम टॉम जैसा सीन होता है उसमें लेना। 10 रुपये का ये 10 रुपये लेगा, आपको न्यू दीघा में उतार देगा। वहाँ से चल के आपको थोड़ा देर आना पड़ेगा और सामने आके आपको 20 दिखेगा। वहाँ पे मेला लगा रहता है हमेशा, तो आप मेले में एंजॉय कर सकते हो, यहाँ पे सामान खरीद सकते हो। मैंने एक पेन लिया, बहुत सेक्सी पेन है, थोड़ा दिखने में थोड़ा कुल्हाड़ी जैसा है और अंदर से पेन है, बहुत सेक्सी है। मैं आपको दिखा दूँगा घर पे जाके। और अगर आप आ रहे हो तो न्यू दीघा आके यहाँ पे बैठ सकते हो। मैं अभी जाऊँगा, जहाँ मैं बैठूँगा वहाँ पे दिखाऊँगा, आप एंजॉय कर सकते हो। भाई यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ है भाई, बहुत स्लीपर है वैन चोर यहाँ पे कुछ भाई। ये जो आइसक्रीम वाला है वो तो मतलब ऐसा लग रहा है सी में चला गया, समुद्र में चला गया भाई। अभी देखो ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे बहुत सारे कपल्स बैठे हैं, मैरिड अनमैरिड। तो यहाँ पे हाँ, कोलकाता में ये चीज़ बहुत सेक्सी है यार, पापड़ी चाट जो है ना बहुत सेक्सी है, आप खाना है मतलब ज़रूर खाना, और यहाँ से मत खाना। इसे बोलते हैं न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू दिखा न्यू वीडियो। तो सीन ऐसा है भाई, अगर न्यू दिखा में आपको नीचे आना है, मैं आईना रिपीट, अगर नीचे आना है आपके फट के हाथ में आने वाली है, तो जल्दी आ जाना। रात के टाइम में तो बिल्कुल मत आना भाई, यहाँ पे इतना स्लिपर है कि ही बताऊँ, 2-3 बार तो मैं गिरते गिरते बचा। क्योंकि मुझे जो लगता है यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा ऊपर आता है, लेकिन आज
क्योंकि आज 2-3 दिन पहले आम बस गया है, तो शायद ये लो टाइड का सीन है, मुझे नहीं पता है, डोंट कोट मी ऑन इट। तो अगर आप आ रहे हो तो थोड़ा जल्दी आ जाओ, क्योंकि आप अगर आप नहीं देख पाओ गंदा गिरोगे भाई कमर की, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा घूमता हूँ यहाँ पे, तो भाई मौसम बहुत सेक्सी हो रहा है यार, इतना मस्त हवा चल रहा है, और मैं अभी सामने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा एंजॉय करता हूँ और थोड़ा आप व्यू देखो, अगर व्यू आता है तो, और नहीं आता है तो क्या कर सकते। यहाँ पे ना व्यू इतना प्यारा है ना, इतना प्यारा है कि आपको अभी अंदर अंदर फील हो रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हो ना, आपको इतना अच्छा फील आएगा ना, आप भी बोलोगे क्या क्या जगह पे आए हो। तो यहाँ पे रात के मौसम में आओ ताकि आपको ये व्यू मिले। ओल्ड दिघा में आपको ये वाला व्यू नहीं मिलेगा, लेकिन न्यू दिघा में ये वाला व्यू यहाँ पे पक्का मिलेगा, तो भाई मज़ा आके मेरे को भाई ज़िंदगी में इतना पैसा कमाना है कि ऐसा होटल में रहना, क्या सेक्सी होटल है यार। आप देखो बस यहाँ पे क्या ही व्यू है ना, हर एक होटल का यहाँ ये सी मतलब मोस्ट ऑफ सी फेसिंग व्यू है। तो होपफुली ये वाला जो है वो वाला बहुत कॉस्टली होगा, मुझे पता नहीं है रेट क्या है नहीं है, लेकिन यार इतना पैसा कमाना कि यहाँ पे रहने का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। दिस द एंड ऑफ द दिघा डायरीज। दिघा में जो भी मस्ती किया वो सब आपको दिखा दिया, थोड़ा बहुत एक मिस हो गया, यहाँ पे एक म्यूजियम था, अगर आप आ रहे हो प्लीज वो म्यूजियम देखना मुझे, प्लीज वो फोटो अगर डीएम कर सकते हो प्लीज डीएम कर देना मेरे को, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, मैं जा नहीं पाया, या मेरे को पता नहीं था, लास्ट में पता चला एक्चुअली, नहीं तो मैं पक्का जाता। आप अगर ओल्ड दिघा रुक रहे हो वहाँ पे एक पेट्रोल पंप होगा, वहाँ से थोड़ा दूरी है, मतलब 5-6 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस, आप प्लीज जाओ वहाँ पे, एक जूलॉजिकल रिसर्च सेंटर करके कुछ होगा वहाँ पे, आप पक्का जाओ वहाँ पे, शायद म्यूजियम है जो मेरे को यहाँ से लोकल लोगों से पता चला है, लेकिन एज टाइम नहीं मिला मेरे को, या मेरे को पता ही नहीं था, क्योंकि लास्ट में पता चला उसके बाद मेरे को टाइम नहीं था, तो मैं नहीं जा पाया। प्लीज यार अगर कोई जा रहे हो प्लीज मेरे को फोटो भेज देना, आई विल लव टू सी दैट। द नेक्स्ट डे কটা দুটো হেভি মিষ্টি হবে তো লাল তিন দিকা আর सुबह सुबह पेट में तरह गुड़बुड़ी और चालू हो गया, तो मैं सोचा ओ आर एस पीना है ये पेन, तो ऐसा है कि नेचर इलेक्ट्रोलाइट हमेशा लेना चाहिए, ओ आर एस नशा चाहिए, ले लो सेम रेट है उसका 30 रुपये, इसका भी 30 रुपये, ये दोगे तो क्या होगा ना, आपका जो पेट का गुड़बुड़ी है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा और पेट साफ रहेगा, तो इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा होगा डिहाइड्रेशन होगा। तो मिलता हूँ लास्ट पार्ट और लास्ट टाइम, चलो करा भाई। ये व्यू वापस कब देखने को मिलेगा नहीं पता, लेकिन इतना सही लग रहा है जो ये धूप आ रही है ना, जो सी पे लग रहा है वो धूप कितना सही आ रहा है रिफ्लेक्शन भाई, मन कर रहा है ये छोड़ के जाने का, मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करे जाना तो पड़ेगा। पता है मेरे को 2-3 चीज़ ना, मेरे को बीचेस का पसंद नहीं है, मैं दिखाता हूँ। ये जो गंदगी करते हैं लोग मेरे को वो पसंद नहीं है भाई, खाना पीना खाओ ठीक है, गंदा क्यों करना। यहाँ पे डस्टबिन दिया हुआ है सब कुछ है, लेकिन सबको यहीं पे फेंकना है ठीक है, हर कोई खाएगा चुट्टा मार रहा है यहीं फेंक रहा है, चाय पी रहा है यहीं मार रहा है, यहाँ पे भाई नारियल पानी पी के यहीं पे फेंक रहा है भाई, वहाँ पे है जगह वहाँ पे फेंको, नहीं मतलब मेरे को देखो, मैं गाली देना चाहता नहीं हूँ, लेकिन ये सब लोगों को ना बहुत दिमाग खराब होता है भाई, इतना अच्छा इतना सुंदर जगह खराब क्यों करना है, जब आपके पास इतना अच्छा अच्छा डस्टबिन दिया हुआ है। तो इसी के साथ हम दिघा डायरीज़ को करते हैं अलविदा।